डर जरूर था, बड़ी पिक्चरें नहीं चल रही थी, ऑडियंस एंड में जीत गई। पता था कि इस फिल्म में कुछ ऐसा है नहीं जो किसी को उत्तेजित करेगा। जो हार गए हैं वो वही बॉयकॉट वाले हैं, जो उनका वो सफल नहीं रहा। डर जरूर था, बड़ी पिक्चरें नहीं चल रही थी, बट क्या है कि एक बात है, ये डर मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ वॉर के वक्त। वॉर जब 2019 अक्टूबर में आई थी, उससे पहले 2 साल तक सारी बड़ी स्टार्स की पिक्चरें फ्लॉप हो रही थी, और जो बिग आइडियाज वाली फिल्म थी छोटे स्टार्स की, था वो सब बहुत बड़ा बिजनेस कर रही थी। तब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये शायद दौर खत्म हो गया है इन बड़ी पिक्चरों का, लोग अभी बड़ी कहानियां शायद देखना चाहते हैं स्मॉल टाउन की। वो डर था तब, पर वॉर ने 50 करोड़ के ऊपर ओपनिंग ली, 300 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया, तो थोड़ा मतलब लगा कि नहीं यार दौर नहीं होता है, पिक्चर होती है। तो वो मुझे थोड़ा होप दे रहा था ये पैंडेमिक के दौरान, जब हमने पठान बनाना शुरू की। मेरे जो प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा, उन्होंने इतना पैसा लगाया पिक्चर के पीछे, वॉर से ज्यादा पैसा उन्होंने पठान के ऊपर लगाया, जानते हुए कि हमें पैंडेमिक के बाद पिक्चर ला रहे हैं। तो उनका भी बहुत फेथ था फिल्म में, बहुत गटसी हैं वो। तो हमें उससे थोड़ा फेथ आ रहा था कि आदित्य जी इतना गलत नहीं सोच सकते। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ पिक्चर का। मैं राजनीति की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। जी समझ गया। मैं एक आम जनता की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से विरोध हो रहा था, सिनेमाघर को बंद कराए जा रहे थे, तब एक डायरेक्टर के दिल में क्या चल रहा था? डर था थोड़ा कि यार ये पता था मुझे कि पता था कि इस फिल्म में कुछ ऐसा है नहीं जो किसी को उत्तेजित करेगा, बट डर था कि ये ऑडियंस तक बात कैसे पहुंचाएं हम, कि उन्होंने पिक्चर देखी नहीं है। ये डर था कि ऑडियंस एक बार देख ले तो खुद जान जाएगी कि पिक्चर में कुछ उत्तेजित नहीं है, कुछ ऑफेंसिव नहीं है। बट ऑडियंस एंड में जीत गई, ऑडियंस ने हमें जिता दिया, उन्होंने देखा, उनको बहुत मजा आया। और जो हार गए हैं वो वही बॉयकॉट वाले हैं, जो उनका वो सफल नहीं रहा, उनका एजेंडा सफल नहीं रहा, गलत एजेंडा था उनका। तो वो भी मैं चाहता हूँ आके देखें पिक्चर और देखें कि इसमें कुछ नहीं है जो उन्हें बुरा लगेगा। मैं चाहता हूँ आके देखें पिक्चर, उन्हें भी मजा आएगा पिक्चर में, वो भी एंटरटेन होंगे। बिल्कुल, मैंने भी एक दर्शक की हैसियत से देखा और मुझे भी कुछ ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उसमें कुछ गलत था। एक आम दर्शक की धारणा अगर देखें तो जी, कहीं प्रेशर था कि यार शाहरुख को लेकर फिल्म बना रहे हैं, तो दर्शकों की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, प्रोड्यूसर की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। 4 साल के बाद शाहरुख की वापसी हो रही थी, पिछली कुछ फिल्में उनकी नाकाम भी रही थी जी। वो प्रेशर था कुछ? वो प्रेशर मुझे पिछले 2 महीने से लग रहा था, क्योंकि मैंने देखा उनका फैंडम कितना बड़ा है। तब मुझे लगा कि ये मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं अपने हाथों में ले लिया है। तो तब वो फिल्म से ज्यादा बड़ा हो गया, ये पिक्चर सिर्फ फिल्म नहीं रही, एक इमोशन बन गई, एक सेलिब्रेशन बन गई, एक अचीवमेंट बन गई। एंड वो जरूरी था कि वो खरी उतरे वो फिल्म। तो वो प्रेशर था हम पे, और मैं अभी बहुत रिलीव्ड हूँ। शाहरुख की तरफ से किस तरह की शाबाशी मिली? वो मुझे बस रोज गले लगाते हैं, वो मेरी शाबाशी है। अब आप पे प्रेशर और ज्यादा हुआ, क्योंकि कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके करियर की सबसे बड़ी हिट रही है, चाहे वो ऋतिक हो, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो दीपिका हो, चाहे करेक्ट हो जी। अब जब आगे आप फिल्म बनाएंगे तो किस तरह प्रेशर या रिलीव बनाएंगे? बट मैं चाहता हूँ कि एक्टर्स मेरे पास ये प्रेशर लेकर ना आए, मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि मतलब सक्सेसफुल रहे, कि हमारी कहानी ऑडियंस तक पहुंचे, वो एंजॉय करे। अब वो कितना एंजॉय करे वो उनके हाथ में, तो ये प्रेशर मैं नहीं लेना चाहता हूँ। पठान के सीक्वल बनाएंगे कुछ है प्रोग्राम? हाँ, इंशाल्लाह बनानी चाहिए हमें सीक्वल, क्योंकि बहुत पसंद आई लोगों को, तो अभी करेंगे फाइटर के बाद कुछ ना कुछ।